साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और स्वागत यहां पर इसलिए भी करेंगे क्योंकि यहां पर अब स्वागत दूसरी व्यवस्थाओं का होने जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब सक्रिय हो गई है, पर सक्रिय ऐसे मुद्दे पर हुई है, शायद उस पर भी एक गंभीर मंथन जरूरी है। गंभीर मंथन इसलिए क्योंकि अगर कोई बात गलत है तो उस पर बचाव नहीं करना चाहिए, और अगर कोई चीज़ गलत कर रही है तो उसके लिए आपको विरोध भी करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि पाप को सहना भी पाप होता है, पर यहाँ पर जिस तरह से हम हाल का ही घटनाक्रम देख रहे हैं कि लगातार ट्विटर पर जिस तरह से ट्विटर बाढ़ छिड़ी हुई है, और अब नेता और हमारे देश की राजनीतिक शख्सियतें अब अपना जो विलाप होता है, अपना विरोध होता है, वो जनता के बीच ना जाकर, यानी धरातल पर ना जाकर, बल्कि जनता के लिए केवल ट्वीट के लिए कर देते हैं। यानी ट्वीट करो और खाना पूर्ति पूरी। और ये व्यवस्था अभी नहीं है, जब से ट्विटर पर राजनीतिक सियासी शुरुआत हुई है तब से लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस चरण से चल पड़ा है कि अगर कोई दुख का या दर्द का या सहानुभूति देनी है तो केवल ट्वीट कर दीजिए और आपकी खाना पूर्ति हो गई। यानी उस दल ने प्रतिक्रिया जता दी, पर प्रतिक्रिया क्या केवल ट्वीट के माध्यम से होनी चाहिए? क्या दर्द केवल ट्वीट के माध्यम से सहानुभूति दी जा सकती है? क्या किसी का दर्द को केवल ट्वीट के माध्यम से कम किया जा सकता है? नहीं, ना ये हमारे देश की परंपरा रही है और ना हमारे देश की संस्कृति है कि केवल दर्द में, एहसास में, कमी में केवल ट्वीट का मरहम लगा दी जाए। कि ट्वीट एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, एक ग्लोबल संचार माध्यम है, ना कि सहानुभूति का वो मरहम जिससे शायद किसी का दर्द कम हो सके। पर आज तक हम देख रहे हैं कि अब व्यवस्थाएं केवल राजनीति की हो या अन्य व्यवस्थाओं की, केवल ट्वीट के माध्यम से होती है। पर ट्वीट पर भी एक अलग चरण पड़ रहा है कि ट्वीट पर भी जिस तरह से गैर मर्यादित टिप्पणी हो रही है, किसी के चरित्र का हनन कर दिया जाता है, किसी पर द्विभाषी भाषा का उपयोग किया जाता है, किसी पर द्विअर्थी व्यवस्थाओं की बात कही जाती है, इससे स्पष्ट किया जाता है कि जो भारतीय राजनीति की संस्कृति शुचिता है उसको अब विश्व स्तर पर खराब करने का प्रयास हो रहा है। भाई अगर भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, राजनीति उतनी ही शुचिता और संस्कृति से भरी, पर जब संस्कृति को खराब करने का प्रयास होता है तो कहीं ना कहीं पीड़ा हम जैसे खबरन बीसों को भी होती है। यहाँ पर बात मनीष जगन अग्रवाल की नहीं है, यहाँ पर बात ऋचा राजपूत की नहीं है, यहाँ बात देश की है। अगर देश की अस्मिता के साथ, देश के वर्चस्व के साथ, देश की प्रतिष्ठा के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो भी खैर खराब बात है। और इसके लिए सबको, तमाम उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो इन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ बात भाजपा की नहीं, यहाँ बात सपा की नहीं, बल्कि यहाँ बात व्यवस्थाओं की है। जिस तरह से मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया, उसके बाद अखिलेश यादव अपने पूरे लाभ और लश्कर के साथ पुलिस मुख्यालय पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से बात कही कि पुलिस की चाय पर उनको संशय है, तो कहीं ना कहीं एक बात और स्पष्ट होती है कि अगर आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है तो फिर आपकी सुरक्षा में तैनात उन जवानों का क्या, उस पुलिस व्यवस्थाओं का क्या, उन अधिकारियों क्या जो आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। इतना बड़ा आपको जेट प्लस सिक्योरिटी व्यवस्था जो आपको दी गई है, आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो किन पर भरोसा करेंगे? पर जिस तरह पुलिस को लेकर उनको कहा कि हम उनकी चाय नहीं पी सकते, संशय है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको अपनी सिक्योरिटी पर भी संशय होना चाहिए। उसके बाद गोसाईगंज जेल गए, उसके बाद घटनाक्रम आपको पता है कि नरसोत्तम पटेल की तहरीर पर यहाँ पर ऋचा राजपूत के खिलाफ भी FIR की गई है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, अब सपा कह रही है कि ऋचा राजपूत की भी गिरफ्तारी, कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, उनके घर परिवार नहीं है तो वो क्या इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आजादी दी, किसकी ताकत में वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। क्या मुख्यमंत्री के सहारे पे नहीं बोल रही है वो महिला? अगर मुख्यमंत्री जी का परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं। जब उनका शब्द खत्म हो गया, जब नहीं लड़ सकते हो तो पुलिस आगे करते हो। राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। जो मैंने कहा है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि और 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे, और 99 जैसे पार हो गए तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के वेरीफाइड हैंडल के द्वारा पिछले एक महीने से ज्यादा समय से नेताओं के विरुद्ध, पत्रकारों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध बेहद अपमानजनक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए, दंगा भड़काने की साजिश हो रही थी। और आज जब FIR दर्ज होकर के गिरफ्तारी होती है तो स्वयं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, बचाव में उतर आते हैं और पुलिस मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये गाली गलौज पूरी तरह से संरक्षित की गई थी। बेहतर होता कि अखिलेश यादव जी आज समाजवादी पार्टी से मनीष जगन अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखाते और सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करते, क्योंकि राजनीति में ऐसी भाषाओं का कोई स्थान नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्या अखिलेश यादव अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर अब अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना शुरू कर चुके हैं, या पिछले 10 महीने से शांत बैठी समाजवादी पार्टी अब अपनी उसी विरासत को आगे बढ़ाने जा रही है जिसके लिए वो जानी जाती है, जो उसकी विशेषता रही है, यानी संघर्ष सड़क पर। महत्वपूर्ण चर्चा विषय मैं मेहमान जुड़ चुका हूं, रूबरू करा लूं। रफी मोहम्मद रफी भाई अपना नेता भाजपा अपना पक्ष रखेंगे, बृहस्पति के रूप में आमिर साहब ने पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे भाई समाजवादी पार्टी के फायरमैन नेता हैं अपना पक्ष रखेंगे, और इमरान लतीफ भाई आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो हमारा विवेक पांडे भाई से रहेगा। विवेक भाई, जिस तरह से यहाँ पर एक प्रकार से प्रतिक्रिया आई है, अखिलेश यादव लाबो लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे और मुख्यालय गए और अपनी मांग रखी, और बहुत समय के बाद मेरे ख्याल से 10 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ ली थी, 25 मार्च को शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था, उसके केवल मानसून सत्र में कुछ गहमा गहमी जरूर हुई थी जब पदयात्रा की गई थी विधानसभा से सपा कार्यालय तक, उसके बाद लगातार देखा जा रहा था केवल ट्वीट की राजनीति हो रही थी, पर शायद समाजवादी पार्टी उसी सक्रियता पर उतर आई है। पर जिस तरह की लड़ाई हो रही है, कैसे देखते इस लड़ाई को और क्या अंजाम होने वाला है आने वाले समय में? जी गौरव भाई, मेरी आवाज आ रही होगी? जी बिल्कुल। हेलो। जी बिल्कुल आ रही है। हाँ गौरव भाई, पूरे मंच को पहले तो बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष धन्यवाद आपको देता हूँ जी कि आपने इतने ज्वलंत विषय पे आज मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। जी धन्यवाद गौरव भाई। बड़ा हास्यप्रद लगा ये देख करके जी कि इतने पूरे प्रकरण को सोशल डोमेन में होने के बाद भी लगातार केवल जिस तरीके से बात समाजवादी पार्टी, जगन अग्रवाल, मैं तो ये पूछ रहा हूँ अभी एक प्रभ्रांत शाले महोदय भाजपा के, जिन्होंने कहा कि इस मुद्दे पे माफी मांगनी चाहिए, मुझे लग रहा है आवाज डबल आ रही है। जी बोलिए, बिल्कुल सही आ रही है। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर ये कटाक्ष हो रहा था कि माफी मांगनी चाहिए या आलोचना करते हुए, अभी ऋचा राजपूत जी की बात अगर की जाए, राजनीति में बिल्कुल सत्य बात है, आपस में कई विषयों को लेकर मतभेद होता है, मन भेद होता है, कई विषयों पे एक दूसरे कई बार आलोचनाएं हो जाती है, लेकिन मेरा सवाल ये है जी, किसी की परिवार की बिटिया जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है जी बिल्कुल, राजनीतिक वर्चस्व या राजनीतिक लक्ष्य के या राजनीतिक मुद्दों को साधने के लिए उसको निशाना बनाना कहां तक सार्थक है? बिल्कुल सही बात है, पहला सवाल जी। दूसरी बात, बिल्कुल जगन अग्रवाल जी के ऊपर अगर कार्रवाई हुई है तो ये विधिक रूप से जो भी इसमें स्टैंड लेना होगा समाजवादी पार्टी लेगी जी। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ, जिन लोगों ने अपने ऊपर लगे अपराधों को वापस लिया, क्या वो न्याय दे पाएंगे प्रदेश को? अच्छा, लगातार जिस प्रकार की टिप्पणियां केवल परास्नातक की डिग्री से किसी की मानसिक परिपक्वता, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर मानसिक परिपक्वता आ जाती है। ऋचा राजपूत ने केवल एक नहीं, इन्होंने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने की बात, कई ट्वीट उनके, जैसे उन्होंने एक लिखा एक नया नैरेटिव स्थान ले रहा है, प्रो जिहादी, पीसडीओ लिबरल्स, मिशनरी और इनकी ढाल है केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू, स्टालिन, क्या है ये? आप विपक्ष के लोगों को इस तरह से अपमानित करवा के जी, आप विपक्ष के दलों को इस तरह से नीचे दिखाने का प्रयास करके आप मर्यादित टिप्पणी करवाते हैं अपने सोशल मीडिया सेल से, और उस पर जब प्रतिक्रिया आती है तो आप तुरंत महिला कार्ड खेल देते हैं। भाई मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां भाजपा के मीडिया सेल के द्वारा की जा रही थी, तो भाजपा के जो प्रमुख बैठे हुए हैं जिनकी नजर इस पे बनी हुई थी, वो क्या कर रहे थे भाई? अच्छा, बहुत बड़ी बात है बेबे भाई, क्योंकि जी मेरा एक सवाल रहेगा, आपने करवाते हैं जी, तो क्या बीजेपी करवाती है ऋचा राजपूत से और सपा करवाती है मनीष जगन अग्रवाल से? करवाते हैं आपने कहा भाई, देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता दूं, एक्शन का रिएक्शन होता है। अच्छा, और कहीं ना कहीं करवाता कौन है? मीडिया सेल की हेड है। अच्छा। कल तो गौरव भाई आप बड़ी जिम्मेदारी से इसको नकार भी नहीं सकते, आपके चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता बैठ के कह रहे थे कि ऋचा राजपूत हमारी पार्टी की नहीं है। अच्छा,
उनको बताना पड़ा, समझाना पड़ा कि कैसे वो आपकी पार्टी की है। तो भाजपा जब फंसती है, भाजपा का जब चरित्र उजागर होता है, तो वो तो सीधे हाथ समेट लेती है अपने। और सबसे बड़ी बात है, आज ये दंगे फैलाने का प्रयास करना, ये जिस तरह से सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कौन कर रहा है भाई? अच्छा, कौन कर रहा है? महिला सम्मान की बात हो रही है ना। अगर गौरव भाई आप मुझे समय दे, मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। बोल लीजिए, समय है, बोलिए। बड़े जिम्मेदारी के साथ बताऊं जी, इंदिरा हृदयेश जी के लिए बंसीधर भगत ने क्या कहा था, उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, भाजपा के तमिलनाडु के गायत्री रघुराम, तमिलनाडु की एक बड़ी जिम्मेदार अभिनेत्री रह चुकी हैं, उन्होंने गायत्री रघुराम नाम है, उन्होंने भाजपा छोड़ दी है, और उन्होंने क्या कहा कि भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर ऋचा राजपूत जो हेड सोशल मीडिया विंग की है, उन्होंने केवल समाजवादी पार्टी नहीं, अन्य विपक्ष दलों के लिए भी जिस तरह की टिप्पणियां की, उनके सोशल वॉल पे है। सांसद बंसीलाल महतो ने कनाटन किसके लिए कहा था? आदिवासी महिलाओं के लिए। कैलाश विजयवर्गीय शशि थरूर के लिए क्या कहते थे आपको पता ही है, महिलाओं के शौकीन। सुब्रमण्यम स्वामी जी प्रियंका जी के लिए अपशब्द का प्रयोग। शरद यादव दक्षिण भारतीय महिलाओं की रंग स्थिति को लेकर के वसुंधरा राजे जी पुस्तक पे अमर्यादित टिप्पणी। सबसे बड़ी बात, मोदी जी 2012 में जो उन्होंने टिप्पणी की थी, और रेणुका चौधरी जी के लिए सदन में जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की, तो ये परिचालन और परिशीलता तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे आ रही है भाई। महिलाओं पे अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद भाजपा नेताओं पे कोई बात ना हो, विपक्ष के लोगों को करना, विपक्ष के लोगों के ऊपर सवाल उठाना, मैं FIR पे नहीं, अभी रुक जाइए पहले चरित्र आ जाए। इसी पक्ष में ऐसे कई मेरे पास, श्रीकांत देशमुख का भी, सोलापुर का जिलाध्यक्ष, उसने बलात्कार किया अपनी पार्टी की कार्यकर्ता का। लोकम लसर अरुणाचल प्रदेश बीजेपी विधायक बलात्कार का आरोपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद जानते ही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ एक बार मी टू के कैंपेन में फंस गए वो। अच्छा। तो ऐसे रविंद्रनाथ त्रिपाठी भदोही के, जिनके ऊपर 6 लोगों के साथ आरोप लगा इस तरह का रेप का। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, मेरा एक सवाल ये है, मोदी जी ने एक बयान दिया था, क्योंकि मुझे पता है अभी आप कहीं ना कहीं घूम के चाय वाले मुद्दे पे आएंगे। अच्छा। मोदी जी ने 12 जुलाई 2013 को वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक बयान दिया, इसको लेके कुपोषण को लेके, कि गुजरात एक मध्यम वर्गीय राज्य जहां बेटी अपने माँ अपनी बेटी को दूध पीने को कहे तो उनका झगड़ा हो जाता है, और वो अपनी माँ से ये कहेगी मैं दूध नहीं पीऊंगी वरना मैं मोटी हो जाऊंगी। तो इसका अर्थ ये था कि मोदी जी दुग्ध उत्पादन पर टैक्स लगाने की योजना बना रहे थे, या वो चाहते नहीं थे कि दूध का उत्पादन अधिक हो। अच्छा। या वो चाहते नहीं थे कि बच्चों तक दूध पहुंचे जी। अर्थ का अनर्थ निकालना, कहीं ना कहीं जिस चश्मे से आप देखते हैं, जितनी मानसिकता आपकी सीमित हो जाती है और जितने सिमट जाते हैं आप, वहां आपकी सोच बंद हो जाती है, और भीड़ तंत्र का हिस्सा होने के बाद आपका क्या कहना है? आज समाजवादी पार्टी पे सवाल उठाने वालों से मैं एक बात पूछूंगा। स्वाति सिंह जी की बिटिया के ऊपर जब एक कटाक्ष किया था बसपा के मंत्री ने, पूरी भाजपा सड़क पे उतर गई थी। आज मैं ये जिम्मेदारी से पूछता हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम भी आ गए, हम तो आ गए, उससे भी दिक्कत हो गई, हमने तो मुख्यालय घेर लिया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये प्रयास बार बार क्यों होता है कि एक राजनीतिक परिवार के लोगों को इस तरह से अपमानित करने का प्रयास भाजपा द्वारा किया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे समाजवादी पार्टी। भाई आप परिवार के लोगों को जब राजनीति में लेकर के आते हैं, खास करके जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो एक बच्ची है। अच्छा। और उसको लेकर अमर्यादित टिप्पणी, और इस पे डिबेट हो रही है। अच्छा। इस पे लोग डिफेंड कर रहे हैं और इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले किसने किया। अरे आपने FIR कर दिया, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी बिटिया का नाम गुनहगार दोनों है। क्या तो बात कीजिएगा, समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है, समाजवादी पार्टी अपने परिवार का संरक्षण करना जानती है। पूछ लेता हूँ, मोहम्मद रफी पूछता हूँ। रफी भाई, सपा कमजोर नहीं है, अब आप लोग चित जाइए, कार्रवाई करनी, गिरफ्तार भी करना होगा। देखिए, जिस तरह से 2017 से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शासन चलाया उत्तर प्रदेश में, बहका माहौल उत्तर प्रदेश में था, जमीन प्लाट दुकान मकान सब कब्जा करने वाली पार्टी आज न्याय की बात करती है। और ट्विटर हैंडल में जो अभी हजरतगंज कोतवाली में मनीष जी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो पुलिस जब कानून व्यवस्था पे इनको यकीन नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस पे इनको यकीन नहीं है, CBI ED पे इनको यकीन नहीं है, संविधान पे इनको यकीन नहीं है। मैं भाई साहब विवेक पांडे जी बहुत गौर से आपको सुन रहा था, और पूरा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश इसको देख रहा है, तो मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा वक्त हमको दें, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। तो जिस तरह से इन्होंने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की साजिश इनकी नाकाम हो गई, महिलाओं का अपमान जिस तरीके से इन्होंने किया,
अगर ऐसी बात है तो आजम खान साहब ने पूर्व सांसद रामपुर जयप्रदा को क्या शब्द नहीं बोले थे, तो क्या इन्होंने आजम खान साहब को पार्टी से निकाला? नहीं निकाला, क्योंकि ये कार्रवाई कर ही नहीं सकते। अगर अखिलेश यादव राइट होते, सही जगह होते, तो पहले मनीष अग्रवाल जी को पार्टी से अपनी ट्विटर हैंडल अकाउंट से हटाते, उनको सस्पेंड करते। अब ये क्या तरीका है, पुलिस हेडक्वार्टर सिग्नेचर बिल्डिंग आप कार्यकर्ताओं के साथ घेरने जा रहे हैं। अरे कानून व्यवस्था पे आपको यकीन होना चाहिए। कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की प्रणाली है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक सम्मानित पद पे उस जगह बैठते हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले जो आप सरकारों में करते आते हैं वही आप सपना देख रहे हैं कि वैसे ही अब हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले की सरकार में और अब की सरकार में फर्क है। क्योंकि ये महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और हम उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होने देंगे। जिस तरीके से तुम पलायन करवाते थे वो नहीं होने देंगे। महिलाएं सुरक्षित है, आप चाहते हैं महिलाएं सुरक्षित ना रहे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो ये सपना तो ना देखे समाजवादी पार्टी के, जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश को चलाते थे वैसे अब उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। फर्क साफ है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ है जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली है। तो इतनी निष्पक्ष ईमानदार सरकार प्रदेश में चल रही है, हर वर्ग को साथ लेके चल रही है, और ये ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट ट्वीट खेलने वाले, इससे सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए आपको जमीन पे मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे मेहनत करता है, तभी आप सत्ता का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा घर से बैठ के ट्वीट करके माहौल खराब करके ये भाजपा सरकार कभी नहीं होने देगी। ठीक है, ठीक। इमरान भाई आप मुस्कुरा रहे थे रवि भाई की बात पर, क्या बात है? हल्की मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आई थी, समझ नहीं पाया मैं, बता दीजिए। देखिए जिस तरह की राजनीति आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है गौरव भाई, और उस पर हम लोगों को बैठ के बहस करनी पड़ रही, ये मेरे ख्याल से राजनीति का सबसे निम्न स्तर होगा। कि भाई बहस तो करनी पड़ेगी इमरान भाई, राजनीति ट्विटर पे हो रही है तो ट्विटर की बहस तो करनी पड़ेगी। राजनीति संघर्ष जमीन पर पहुंचा कहां है? मैं वही बात कह रहा था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर के नेताओं के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार कर रही है, गाली गलौज तक बात पहुंच गई है। अच्छा। और आज देश की जनता का, प्रदेश की जनता का जो कीमती समय है बहस का, वो हम इस तरह के पर्सनल इश्यूज पे बैठकर बिता रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बेहद निम्न स्तर है राजनीति का। लेकिन जो हंसी मुझे आई थी अभी जब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बोल रहे थे और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो हंसी आना स्वाभाविक है कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज से भी बुरी स्थिति हो, जंगल के भी अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ कानून होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। और उत्तर प्रदेश की बात क्या करें, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां जहां भाजपा सत्ता के अंदर है, वहां पर सबसे पहला काम अगर कोई भारतीय जनता पार्टी कोई पहला काम करना जानती है तो वो लोकतंत्र का गला घोटना जानती है और संविधान की आत्मा तार-तार करना जानती है। आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली एमसीडी के अंदर कानून के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, संविधान की सरेआम हत्या की जा रही है। आप देख लीजिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गला घोटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां जहां भाजपा आपको दिखेगी सत्ता के अंदर, वहां वहां पर ये संविधान का चीरहरण करने का काम कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, ये बात कर रहे हैं कानून के राज की, ये बात कर रहे हैं संविधान के राज। कानून का राज ना होता इमरान भाई तो आपके मंत्री जेल में ना होते। थोड़ा खामोश हो जाइए, ठीक है भाई, बोल रहा हूँ। आपने पूरा ज्ञान दिया यहाँ पर, मैं चुपचाप सुनता रहा। चलिए कम से कम मेरा टर्न मुझे बोल ले लीजिए, बाद में बोलिएगा पूरा, पहले बोल ले दीजिए। कहाँ जाए इनको मौका मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जहां पर थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है, जहां पर थानेदार बलात्कार करते रहे, वहां कह रहे कानून का राज है। जहां पर मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको मार दे रहा है, और मंत्री से आज तक इस्तीफा नहीं लिया गया, वहां कानून का राज है। जहां पर व्यापारी की हत्या कर दी जा रही है पुलिस वालों के द्वारा वसूली न देने के कारण, वहां पर कानून का राज है। जहां पर एक एसपी रंगदारी मांगता है, एक व्यापारी आत्महत्या कर लेता है महोबा के अंदर, और आज तक एसपी मिलता नहीं है, और कह रहे कानून का राज है। सरेंडर कर दिया, कानून का राज के अंदर चल रहा है।
तो पूरे देश के अंदर ये सीबीआई के जरिए, ईडी के जरिए, पुलिस के जरिए कानून का हत्या करने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। तो हो रहा है तो आपको रुकेंगे तो हत्याना स्वाभाविक है, आपको मुताबिक बोल रहे हैं जी। इमरान भाई, अगर वास्तव में व्यवस्थाएं खराब है तो विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? विपक्ष रोड पर मैं बता रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल गौरव भाई में बात कह रहा हूँ जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, दो बातें उन्होंने कही थी और उनके सच्चे अनुयायी होने के नाते उसका पालन हम करते हैं। बोलिए। उन्होंने कहा था सड़कें सोनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। उन्होंने कहा था जिंदा कौम में 5 साल तक इंतजार नहीं करती। इन दोनों बातों पर अगर किसी ने अक्षरशः पालन करने का काम किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। उत्तर प्रदेश की बात कर लिए, दूसरे लोगों की बात नहीं करना। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की बात करूंगा। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ा, चुनाव हारे बुरी तरीके से, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने संगठन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की तो आम आदमी पार्टी ने शुरू की। सबसे पहले निकाय चुनाव की तैयारियां करना शुरू किसी ने किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं उनको अगर उजागर करने का काम किसी ने किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। सड़कों पर संघर्ष करने का काम किसी ने किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। तो आम आदमी पार्टी अपने दायित्व को सत्ता में रह के भी दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर पूरी कर रही है, और जहां जहां विपक्ष में और जहां विपक्ष से बहुत दूर है वहां भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, अमर भाई मूल्यांकन करिए भाई, क्या स्थिति है और किस तरह से ट्विटर वार हो रहा है, और ट्विटर पे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की बातें आती है तो कहने की देश की छवि को भी नुकसान पहुंचता है, तो वही शायद इस तरह की जो गैर मर्यादित टिप्पणी है उस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया गौरव जी जो आपने इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, राजनीतिक लोगों की मानसिकता इस स्तर आ गई, इस स्तर तक पहुँच चुकी है कि एक भारतीय जनता पार्टी नहीं, तमाम समाजवादी पार्टी का भी दौर रहा है। आदम खान ने भी ऐसी टिप्पणियाँ करी थी। भाजपा ने जो अभी मंत्री बने हुए हैं, बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने मायावती जी पे भी टिप्पणी करी थी और उसके बाद बड़ा बावेला हुआ था प्रदेश के अंदर, तमाम जगहों पर धरने प्रदर्शन हुए थे जी। तो कुल मिला के गौरव जी अब हम ये देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर इतना नीचे जा रहा है, राजनीतिक लोगों की मानसिकता इतनी ख़राब होती जा रही है कि वो घर की महिलाओं बच्चियों पर भी जो टिप्पणियाँ करते हैं ये तो कतई और कतई, मतलब गौरव जी जिसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं समझता हूँ कम है, क्योंकि राजनीति में अब शब्द हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, एक दूसरे पर लांछन या कीचड़ उछाली जाती है, लेकिन महिलाओं पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम लोगों ने, तमाम जैसे अभी सोनिया गांधी पे भी किया, प्रियंका गांधी पे भी किया है, या मायावती का भी पिछले चुनाव में 2012 के टाइम पे ये सब हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या अन्य कोई दल, मैं चाहता हूँ गौरव जी कि जिस तरीके से महिलाओं पर और बच्चियों पर जो टिप्पणियाँ होती हैं, और बाकी ट्विटर का मामला रहता है कि ट्विटर से राजनीति बातचीत होती नहीं है, आदमी मन को बहला ले, दिल को बहला ले, जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे तो राजनीति का कोई मतलब नहीं है। आप लाख गाली देते रहिए सत्ता को, सत्ता का मतलब क्या है, सरकार का मतलब क्या है? बिल्कुल लोहिया जी ने सही बात कही थी कि जनता को मैं 5 साल का इंतजार नहीं करती है तो आप जिंदा नहीं है, इसका मतलब फिर मुर्दा हो चुके हैं। 5 साल इंतजार कर रही है। देखिए मुलायम सिंह जी का मामला था, वो ईंट से ईंट बजाते थे सरकार की, लेकिन मौजूदा जो विपक्ष है उसके बारे में हम क्या कहें, लग रहे हैं कि बिल्कुल, अगर वही बात है कि फिर अगर कोई शब्द बोल दूंगा तो अमर्यादित और संस्कृत भाषा में इस्तेमाल हो जाएगा कि संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन सच ये है गौरव जी बहुत स्पष्ट है कि विपक्ष अब है नहीं, बिल्कुल विपक्ष मुर्दा हो चुका है। नपुंसक तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन मुर्दा हो चुका है, ईमानदारी की बात यह है। इसलिए कि विपक्ष कहाँ दिख रहा है आप बताइए, खाली फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और जहाँ तक टिप्पणियों का मामला है, गौरव जी आजम खान के खिलाफ किसी ने टिप्पणी करी थी मुझे अच्छी तरह याद आ गया बातों बातों में, तो उन्होंने उसको जेल भिजवा दिया था, सरकार थी तो जाहिर सी बात है सत्ता की हनक और सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है। अच्छा। चाहे मौजूदा सरकार हो, चाहे निवर्तमान सरकार हो, सत्ता में रहने के बाद आदमी रावण तो लगभग लगभग हो ही जाता है। मतलब यहाँ बीजेपी रावण हो गई क्या भाई? कोई भी सत्ता हो, मैं बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूँ, भाजपा का नेता हो, चाहे सपा का नेता हो, या अन्य किसी दल के, जो सत्ता में रहता है। हाँ, जो सत्ता में रहता है। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल रावण हो गए और भगवान मान रावण हो गए भाई, आप कहीं रहे सत्ता में होता है? नहीं नहीं, अरविंद उधर कहाँ लेके जा रहे हैं भाई, क्यों भिड़ाना चाह रहे हैं मुझे? मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, आप जवाब बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन सत्ता का मतलब सत्ता, देखिए एक चीज गौरव जी समझिए, मैं समझता हूँ कि विशेष तौर से उत्तर प्रदेश या बिहार, ये 2-3 सूबे ऐसे मान लिए कि जहाँ पर राजनीतिक
का अपराधीकरण हो चुका है गौरव जी। अच्छा। और जहाँ पर अपराधीकरण राजनीति का हो जाएगा और जब अपराधी राजनीति तो आएंगे, दिल्ली और पंजाब नहीं बोले आप, नहीं जब राजनीति वो, इसलिए मैंने पूरा देश बहुत बड़ा छोड़ दो, मैं और सूबों को भी व्याख्या करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, वो छोड़ दिया, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार की बात कर रहा हूँ कि यहाँ राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। और जब राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा तो इस तरीके की बातें तो स्वाभाविक हो ही होंगी, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, या वो ट्विटर के माध्यम से हो, तो ये ट्विटर तो लोग खेलते ही हैं। अच्छा। लेकिन ये एक चीज का मैं गौरव जी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सभी राजनीतिक पार्टियों से कि भाई आप अगर राजनीतिक तौर पर किसी पे लांछन लगा रहे हैं या किसी पे टिप्पणियां कर रहे हैं अमर्यादित भाषा ही में सही, कम से कम घर की महिलाओं को और या वो महिलाएं जो राजनीति में, कम से कम उन पर तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन, हमारे देश की संस्कृति नहीं होनी चाहिए, हमारे देश की संस्कृति है मर्यादा की बात, अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे देश की संस्कृति भी खराब होती है, वो तमतुन जो हमारा देश का है वो पारा पारा होने की नौबत आ जाती है कि अगर हम किसी पर, क्योंकि ये चैनल, ये यूट्यूब या ये जितने भी व्हाट्सएप है, ये सिर्फ हमारे प्रदेश या देश के अंदर महदूद नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर आ जाते हैं, जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस तरीके होगा तो जो विदेशों में लोग बैठे हुए हैं वो क्या हमारे बारे में सोचेंगे, क्या कल्पना करेंगे हमारे बारे में, ये इनकी तहजीब है, ये इनका कल्चर है, ये इनकी संस्कृति है, तो बदनाम तो हमारी संस्कृति होगी, बदनाम हमारा देश होगा, ना कि एक आमिर साबरी, नहीं आमिर साबरी ने कोई बात कह दी आप ही के चैनल में मैंने एक शब्द कह दिया था 4 सेकंड की, वो इतनी वायरल हुई, करोड़ों पहुंच गई, कहां का लोगों ने, कतर में, कतर में, दुबई में, आप देखिए गंदगी कितनी तेज उठती है, ये हैरत मुझे अपनी डिबेट से हुई कि मेरे 4 सेकंड के शब्दों ने कोहराम मचा दिया, करोड़ों व्यूज पहुंच गए, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई बाद में, हालांकि वो उस आदमी की बदतमीजी थी, लेकिन मुझे बोलना पड़ गया, लेकिन बाद में मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और आज भी मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ गौरव जी, मैं कतई इन शब्दों पर कतई मतलब मुझे यकीन नहीं लगता इस तरीके की टिप्पणी। इमरान भाई थोड़ा मुस्कुरा रहे क्योंकि आपने पंजाब का दिल्ली का नाम नहीं लिया, खैर रवि भाई आप कुछ कह रहे थे रवि भाई की बात पर। जी हाँ, रवि भाई की बात पर मैं कहना चाहूंगा, रवि भाई ने बड़े संकेत छोर पे दावा किया कि पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। गौरव भाई मैं आपको एक व्हाट्सएप कर रहा हूँ, डिबेट चलती रहेगी, जब मेरा टर्न खत्म हो जाएगा आप व्हाट्सएप देख लीजिएगा जरा। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, पिछले 5 साल में 35,040 दंगे और बलवे दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो ये जो दावे ठोकते हैं बैठ करके मीडिया में, कल झूठ परोसते हैं, मुझे लगता है इससे भी बचने की आवश्यकता है। अच्छा, एनसीआरबी गलत आंकड़े तो नहीं देती, कम से कम ना वो समाजवादी पार्टी बनाती है, ना भाजपा बनाती है, ना प्राइम टीवी बनाता है। अच्छा, दूसरी बात, जिस तरीके का माहौल इन लोगों ने खड़ा करने का प्रयास किया, मुझे पता है अब आपका अगला सवाल यकीनन वो चाय वाले मुद्दे पे ही होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं बार बार समझ लेते हैं भाई कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जी बार बार समझ लेते हैं मैं क्या पूछने वाला हूँ आपसे, गौरव भाई अब आपके साथ रहते रहते इतना तो समझ, क्या बात है, क्या बात, बोलिए। देखिए बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता दूं, इस बात को सार्थकता की उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों पर भरोसा न करना, इसको सार्थक हमें करने की आवश्यकता ही नहीं। भाजपा के प्रवक्ता बैठकर कितना भी टींगे हांक लें, कल जेसीपी पीयूष मोडिया ने जी न्यूज के पत्रकार के साथ जो अभद्रता की लाइव कैमरे पे, जिसकी वीडियो वायरल है जी, और शुभम पांडे नाम के पत्रकार थे, उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया और उसके बाद जो उन्होंने उग्रता दिखाई, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का सत्य उजागर करती है। और इससे भी बड़ा सत्य सुनिए भाई, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को नोटिस हेल्पलाइन को लेकर के केवल और केवल स्वार्थ साधने के लिए एक तरफा रिपोर्ट लगा के पीड़ित को अति पीड़ित करने का काम किया, जिसमें 10 विभागाध्यक्ष, 5 मंडलायुक्त, 10 DM, 5 विकास प्राधिकरण, VC और नगर आयुक्त, 10 तहसीलें, 3 ADG, 5 IG, DIG, 10 SP कमिश्नरेट के SSP और SP के साथ 10 थानों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। और कल JCP पीयूष मोडिया ने कहीं ना कहीं सत्ता के अहंकार को उजागर करते हुए सत्ता के संरक्षण में प्राप्त जो तानाशाही है उसको भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे प्रहारित करके अखिलेश जी के वाक्यों को सार्थक कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। जो लाइव कैमरे पे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपमान, तो आप आइए शुभम पांडे के लिए, आप रोड पे आएंगे क्या? प्रचंड मनीष अग्रवाल के लिए आए, शुभम पांडे के लिए आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई, कब आएंगे? आपके कोई प्रतिक्रिया तो नहीं है अखिलेश यादव की अभी तक के लिए, आप प्रतिक्रिया नहीं है अभी तक, कोई ट्वीटी कर देते भाई, अभी तक तो भाई लोग भाई सपा प्रमुख की आ जाएगी, अभी तक तो मीडिया इस पूरे, अरे सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, नहीं नहीं ये पत्रकारों को किसके साथ है उत्तर प्रदेश में आज तक के इतिहास में पत्रकारों के लिए अगर किसी ने काम किया हो तो एक नाम बता दीजिए, एक सरकार का नाम बता दीजिए। अच्छा, मैं चुनौती देता हूँ और उससे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, अखिलेश जी पे सवाल उठा रहे हैं कल से लोग, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पे
आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, आरोपित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप तय कीजिए, पत्रकार समाज तय करिए कि कौन किस पर सवाल उठाने योग्य है। मैंने सवाल ही उठाया, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस डिबेट को, मैं सवाल उठा रहा हूँ। क्या पीयूष मोडिया पे कार्रवाई हुई? क्या पीयूष मोडिया पे कार्रवाई हुई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे प्रहार करने को लेकर लाइव कैमरे पे, बताइए आप। जी अभी तक तो नहीं हुई है, यही संज्ञान लिया गया और नियति रहती है भाजपा की। केवल और केवल केवल नहीं, बयान तो सब देते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप न्याय की उम्मीद उनसे कर रहे हैं जो खुद अपने ऊपर के लगे आरोप वापस ले चुके हैं, जो खुद अपने ऊपर तय आरोपों को अपने सत्ता के अपने अधिकार का गलत दुरुपयोग करके न्यायालय से उनको कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, न सुप्रीम कोर्ट से न हाई कोर्ट से, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप स्वयं वापस ले लिए। और सबसे बड़ी बात, वो कुछ भी कहें, उनके लोग कुछ भी कहें, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे आरोपों से न डरती है न डरेगी। पत्रकार भी हमारा मित्र है, किसान भी हमारा मित्र है, युवा, बेरोजगार, रोजगार, सारे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक लड़ाई लड़ती आई है। और मैं तो जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, कल से जितने न्यूज चैनल समाजवादी पार्टी पे सवाल उठा रहे थे, आज किस पत्रकार के साथ हुई अभद्रता पे किसने सवाल किया, किसने डिबेट की, बताइए आप मुझे। जी बिल्कुल, तो पत्रकारों को भी यह तय करना पड़ेगा कि केवल और केवल सत्ता को इतना अहंकार में न जाने दे कि सत्ता के अहंकार में कल को उनके अधिकारी पत्रकारों का सरेआम बेइज्जत करे, जिस तरह कल पीयूष मोडिया ने करने का प्रयास किया है। और मैं इसका खंडन करता हूं, इस तरह का वाक्य किसी भी लोकतंत्र के सीधे स्तंभ पे नहीं होना चाहिए, वो भी ऑन कैमरा। उन्होंने ऑन कैमरा जिस तरीके से बदतमीजी करने की कोशिश की, वो बहुत ही निकृष्ट, बहुत निंदनीय था। इस पे तो योगी जी को आके माफी मांगनी चाहिए सबके सामने। भाई चले ठीक है, रफी भाई, भैया बेबे भाई बड़ा नाराज है, आप लोग सरकार सही नहीं चला रहे हैं, अधिकारी आपके निरंकुश हो गए हैं। विवेक भाई कह रहे हैं, विवेक भाई को मैं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, भाई साहब से निवेदन है कि जरा दो मिनट का टाइम दें। देखिए जिस तरह से 2017 से पहले सरकार आपकी चली, आप कानून व्यवस्था के राज की बात करते हैं, सीओ जियाउल हक को जिंदा जला दिया गया आपकी सरकार में, क्या आपने इस्तीफा दिया? आपने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, बस इतना बताइए। क्या सीओ जियाउल हक पुलिस कर्मचारी नहीं थे? नहीं नहीं, आपका झूठ, आप ये बताइए, सीओ जियाउल हक को नहीं चलने दिया? क्यों, जो उपद्रव जो टंगे आपकी सरकार में होते थे उसे उजागर हमने किया, उसे जनता के बीच में हमने रखा, भय का माहौल आप पैदा कर रहे हैं, ये बताइए। सिग्नेचर बिल्डिंग को घेरने की क्या जरूरत थी? जो पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस मुख्यालय है, उसे घेरने की जरूरत थी क्या थी? ये बताइए, महिलाओं के अपमान में ट्वीट करने की जरूरत थी क्या थी? जो महिलाओं के अपमान में ट्वीट करने की जरूरत थी क्या थी? पुलिस हेडक्वार्टर घेरने की जरूरत थी क्या थी? आप जेल के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्या थी? अरे मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में भयंकर माहौल आपने पैदा कर दिया। मुजफ्फरनगर दंगा लोगों को पलायन करने पे आपने मजबूर कर दिया था। क्या क्या जयप्रदा जी के खिलाफ आज आपने अभद्र टिप्पणी की, उन्हें आपने पार्टी से निकाला? नहीं निकाला। क्या आपकी सरकार में जो दंगे होते थे लगातार, आप ऐसे ही चाहते हैं? कानून व्यवस्था का राज है, आपको संविधान पे भरोसा नहीं, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं। जो पुलिस कर्मी आपके जेट सुरक्षा में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ लगे हैं, आपको पुलिस कर्मियों पे भी भरोसा नहीं है? जो जेट सुरक्षा आपको प्रदान की गई है, क्या आपको उन पुलिस कर्मियों पे भी भरोसा नहीं है? आप आज पुलिस पे, पुलिस की छवि पे उंगली उठा रहे, आप पुलिस की छवि पे उंगली उठा रहे। क्या अखिलेश यादव जी को पुलिस हेडक्वार्टर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? क्या आपने उन लोगों पे कार्रवाई की जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया? क्या उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया? आप यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भय का माहौल हो, लेकिन फर्क साफ है, हम लोग ऐसा नहीं होंगे। विवेक भाई, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, रफी भाई जुमला परोसने के लिए मत बुलाया कीजिए। बोले 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 भाई बोलिए बोले भाई, पूरी करिए। मैंने बड़ी जिम्मेदारी से पूछा, क्या कंपनी राज की सरकार चल रही जो अधिकारियों को छुट्टी मिलेगी? और पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे ओपी सिंह जी के समय एक पायलट प्रोजेक्ट साप्ताहिक अवकाश का शुरू किया था यूपी पुलिस के लिए, वो कहां गया पायलट प्रोजेक्ट? यूपी पुलिस का जवान एक छुट्टी अगर मांगने जाए तो उसको ईद के चांद की तरह घूमना पड़ता है। और उससे बड़ी बात, आज तो एक लेटर वायरल है कि शादी के बाद छुट्टी न मिलने के कारण बीवी बात ही नहीं कर रही है, फोन माता जी के पास रहता है। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश की छवि कॉन्क्लेव करने जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है और इनको इतनी छुट्टी दी जाती है।
विपक्ष को ये साथ पीएससी हो या पुलिस हो या पुलिस इतना बड़ा समिट करने जा रहा है विपक्ष के लोगों का अपमान करना, विपक्ष के लोगों के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करना, विपक्ष के ऊपर केवल कटाक्ष करना, ये इनकी राजनीति है। इतनी गिरी राजनीति, इतनी गिरी राजनीति के लोग, इस तरह के इतनी लोग, आपके सवाल कैसे झूठ पर उठ दिया, कैसे झूठ पर उठ दिया। एनसीआर के आंकड़े गौरव भाई मैंने आपको भेज दिया, इनको दिखाइए। एनसीआर के आंकड़े मैंने भेज दिया गौरव भाई, दिखाइए। सवाल है मेरा, सुन लीजिए। मैंने तमाम खामियां भारतीय जनता पार्टी में, और पूरा देश जान रहा है, प्रदेश नहीं जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, तमाम खामियां तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? मैं तो पूछ रहा हूँ, आप तो पत्रकार है, मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। बोले 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 अमर भाई बोले। नहीं, मैं पत्रकार महोदय का सवाल लूंगा, मैं वो हमारे सम्मानित है। विवेक जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, राजनाथ सिंह पर्चा भर रहे थे 2014 में, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार को धक्के दे करके निकाला गया, कोई आवाज नहीं उठी। अभी 2017 के बाद योगी सरकार आ गई, उसके बाद यहाँ NRCCA के धरने प्रदर्शन हुए, विकास चंद त्रिपाठी ने तमाम पत्रकारों को बेइज्जत किया। मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, विकास चंद ADCP हुआ करते थे लखनऊ के। समाजवादी पार्टी का कोई ट्विटर, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई फेसबुक, किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया। उसके बाद इन सारी खामियों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कितने शर्मनाक और कितनी अफसोसनाक बात है विवेक जी। कम से कम मुख्य विपक्ष हैं आप, मुख्य विपक्ष हैं, निवेदन करूंगा आपको सड़क पर सरकार की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। आदम कांप पे तमाम बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी के मुकदमे कायम हुए, समाजवादी पार्टी हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। नाहिद हसन का पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया, नाहिद हसन को बिल्कुल उजाड़ दिया गया, आप ही का विधायक है, समाजवादी पार्टी हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। जवाब देने के लिए गौरव भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इरफान सोलंकी का जरा हुआ तो थोड़ा सा अखिलेश जी सहानुभूति बतौर जागे, लेकिन तमाम तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी ने उदंडता दिखाई और जुल्म किया लोगों पर, आम जनता पर, तब समाजवादी पार्टी सोई हुई थी, कितने अफसोस की बात है। और जहां तक अभी आपने एक जुमला भी ये कहा था, शब्द बोला था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुकदमे वापस ले लिए थे, तो मैं विवेक जी आपको बता दूं, मुख्यमंत्री को यह अधिकार होता है, मुलायम सिंह जी ने भी अपने ऊपर तमाम मुकदमे, जो भी 32 या 35 मुकदमे थे, मैं सही तरीके से याद नहीं है मुझे, वो वापस ले लिए थे। अगर योगी आदित्यनाथ ने भी ले लिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुख्यमंत्री को ये अधिकार होता है। हाँ, अन्य मंत्री अगर ले लेते हैं, इस पर आप बोल सकते हैं, उनके मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मुख्य विपक्ष आप हैं, ये अधिकार और ये काम आपका है, ना कि आमिर साबरी का। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, जवाब दीजिए, फिर इमरान भाई को लेता हूं। मैं बड़े सम्मानित अपने पत्रकार महोदय के बातों को आत्मसात करते हुए मैं बस दो लाइनें कहूंगा जी। मुख्यमंत्री के अलावा भी भाजपा में जिन लोगों ने मुकदमे वापस लिए हैं, क्या वो संवैधानिक रूप से उनके ऊपर खबरें चली, क्या उन खबरों को बार बार उठाया गया, क्या आज जिस तरीके से विपक्ष प्रयास करता है किसी भी मुद्दे को उठाने को, और जिस तरीके से वाहवाही के चक्कर में विपक्ष में आप हैं, पत्रकार नहीं है, विपक्ष में आप हैं, पत्रकार थोड़ी विपक्ष में है, पत्रकार तो जहां सत्ता होती मलाई चाटे पहुंचाते हैं। बस बस मैं वही कह रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं आपको, मैं पत्रकारों पर सवाल उठाना नहीं चाहता, क्योंकि गौरव भाई मेरे बहुत परम एक सवाल पूछा कि उस बात पे कितने लोगों ने डिबेट रखी, कितने लोगों ने सवाल उठाया, कितने लोग सरकार को घेर रहे हैं। विपक्षी हूँ ना, आप पत्रकार है, मेरी बात आने दीजिए, आप पत्रकार है, मेरी बात आने दीजिए। मैंने सिर्फ ये सवाल उठाया, मैं तो विपक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी से ही हूँ ना, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, अब ये कोई नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई इस पे। अच्छा, मुझे गौरव भाई ने मौका दिया। अच्छा, मैंने आवाज सड़क पे आपका विवेक जी खाली आवाज बिल्कुल आएंगे उठाने से मसला नहीं होगा। पत्रकार सुन लीजिए, मेरा सवाल आपसे यही है विवेक जी, पत्रकार नहीं, मेरा सवाल, मेरा जवाब भी यही है, मेरा जवाब भी यही है। जिस दिन पत्रकार अपनी कलम को धार लगा देगा, समाजवादी पार्टी उसको फिर से सड़क पर दिखाई देगी। समाजवाद का मतलब ही है कि संघर्ष, और आप संघर्ष नहीं करेंगे खाली टीवी डिबेट। नहीं नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं फिर जोड़ के हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जिस दिन पत्रकार ट्विटर हैंडल करते हैं, लेकिन शुभम पांडे के लिए उन्होंने ट्विटर भी नहीं किया है, ट्वीट भी नहीं किया है। अफसोस की बात तो ये, उन्हें कम से कम एक ट्वीट तो कर देना चाहिए था। तमाम अभी हमारे एक पत्रकार, पुलिस ने उनके ऊपर इतना शिकंजा कसा कि वो एक्सपायर हो गए। खालिद रहमान ही लखनऊ के रहने वाले थे, किसी सपा प्रवक्ता ने या सपा नेता ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई उनके लिए ट्वीट किया? आप बताइए। तमाम मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, सुन लीजिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं,
जिस दिन पत्रकार अपनी कलम की धार तेज कर लेगा ना, समाजवादी पार्टी उसको बढ़ावा दिखाई देगी कंधे से कंधा मिलाकर। आपके मुद्दे सुन लीजिए, इस सरकार ने आपकी बात नहीं आने दे रहे हैं, आपकी बात नहीं आने दे रहे हैं, आप मेरी बात नहीं आने दे रहे हैं, आप मेरी बात नहीं आने दे रहे हैं। बस यही समस्या आप लोग की है। अब आप मेरी बात, मैं आपसे शिष्टाचार से तब से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरी बात आने दीजिए। बिल्कुल कहिए कहिए कहिए। चलिए ठीक, पत्रकार तो कलम की धार मजबूत कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, योगी राज में जितना पत्रकारों का उत्पीड़न किया गया है और जितना पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हुआ है, हर बार आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। लेकिन जब समाजवादी पार्टी को केवल आप लोग आलोचनाओं के घेरे में बांध के रखना चाहेंगे तो भाई हम भी हताश होते हैं। हम कहीं ना कहीं आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, आप अच्छी डिबेट करते हैं, बोल लीजिए, आप ही रख लीजिए, आप ही सब कुछ कर लीजिए। आप जब बात नहीं आने देंगे बाकी भाजपा से सहयोग करवा लीजिए, फिर क्या कहेंगे? आप नाराज ना होइए, मैं कह रहा हूँ नहीं, आप मेरी बात रखिए। आलोचना से जो घबराता है वो संघर्ष कभी नहीं कर पाता है, वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है, करेंगे। चलिए ठीक है, नहीं नहीं, कल को आप इसको प्रेजेंट करेंगे कि सपा वाले बोलने नहीं देते, जबकि मैं तीन बार चार बार हाथ जोड़ चुका, मेरी बात आ रही है। सरकार नहीं है, मैं भी आपके हाथ जोड़ना बोल रहा हूं। ठीक है ठीक है, दोनों भाई बोलेंगे, इमरान भाई बोलेंगे। नहीं बोलिए बोलिए, दोनों नहीं बोलेंगे, अब दोनों नहीं बोलेंगे। ठीक ठीक, अब इमरान लतीफ बोलेंगे। इमरान भाई बोलिए। देखिए गौरव भाई जी, जितने भी सवाल चाहे सम्मानित पत्रकार साथी की तरफ से आया हो, चाहे आपकी तरफ से आया हो, विपक्ष की अपनी बहुत महती भूमिका होती है लोकतंत्र में। अच्छा। और उसको निभाना चाहिए जी। दूसरी पार्टियां क्या कर रही क्या नहीं कर रही, लेकिन आम आदमी पार्टी आज भी सड़क पर है। अरे मैं तो सवाल आप आज मैंने, आपने देखा, मैंने तो आप पे सवाल उठाया ही नहीं, आपका संघर्ष देखता हूँ भाई, जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ जी। और ये बेहद जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी जैसी अहंकारी पार्टी अगर सत्ता के अंदर हो और जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक तरफ जनता की आवाज को चलने का हो, एक तरफ विपक्ष की आवाज को चलने का हो, दूसरी तरफ पत्रकारिता की आवाज को चलने का हो। कोई एक उदाहरण आप देख लीजिए, ये पत्रकारों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये व्यापारियों पर शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं, ये विपक्षी नेताओं का टेटुआ दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तीन काले कानून लेकर आए गए थे, उस समय पर राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो अपना स्टैंड दिखाया था, वो दूसरी प्रमुख विपक्षी पार्टियों को दिखाना चाहिए था। आज जो कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, आज जो कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, सबसे पहली जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी की थी। लेकिन अगर किसी ने सबसे पहले विपक्षी पार्टी का दायित्व निभाया उत्तर प्रदेश के अंदर, आम आदमी पार्टी ने निभाया। आज भी आम आदमी पार्टी सड़कों पर बात कर ले तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं। इमरान भाई, मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ क्या भाई मेरे, जब सत्येंद्र जैन साहब जेल में है तो आपने उनसे इस्तीफा लिया, आप निष्पक्ष सरकार चला रहे हैं तो केजरीवाल जी ने क्या एक्शन लिया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बीबीआईपी सत्येंद्र जैन साहब दे रहे हैं जेलों में, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई जा रही है, इन्होंने सत्येंद्र जैन का मामला लिया है। जब मनीष सिसोदिया के देश की जनता देख रही है, सीबीआई मैदान, अरे रफी भाई सुन तो लीजिए, अरे भाजपा के मित्र सुन तो लीजिए, आपको टेप रिकॉर्डर की तरह बजना शुरू हो गए, अरे जवाब तो लीजिए, जवाब तो ले लीजिए महाराज, सीबीआई जांच एजेंसी जांच करती है, अरे जवाब तो ले लीजिए, बताइए तब आपको गौरव भाई को खामोश तो कर लीजिए, जवाब तो ले लें, काहे इतना बेचैन हैं। ईडी और सीबीआई जब अपना काम कर रही है तब आम आदमी पार्टी को तकलीफ, सत्येंद्र जैन साहब जेल में तो आपने उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? अरे भाई टेप रिकॉर्डर बज गया आपका, सत्येंद्र जैन साहब जेल है, अरे जवाब तो मैं बता दूं, जवाब तो ले लो भाई, अच्छा वीवीआईपी ट्रीटमेंट इमरान भाई आप उन्हें दे रहे हैं, जवाब तो ले लो भाई, हाँ दो जवाब लेने के लिए बैठे, बिहार जेल केंद्र सरकार के अधीन है, आपकी कमी है, भाजपा के माननीय प्रवक्ता आपकी कार्यप्रणाली में कमी है, बिहार आपके अधीन है, अगर अगर पार्टी केंद्र सरकार किसके अधीन है, गौरव भाई जवाब देंगे, क्या कह रही है, विपक्ष को तकलीफ होती है, सरकार जेल में दिल्ली के समस्याओं का हल नहीं होता, रफी भाई करना पड़ता है, इमरान भाई जवाब ले, जवाब दीजिए, इमरान भाई बोलिए बोलिए बोलिए, इमरान भाई रफी भाई जी एकदम खामोशी से मैं जवाब दे रहा हूँ, एकदम शांति से सुन लीजिए, हाँ, हाँ, बिल्कुल, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, सत्येंद्र जैन जेल में, मैं मान रहा हूँ सत्येंद्र जैन जेल में, आपने उनको जेल में डाल के रखा है,
ईमानदारी से पूरे देश की जनता के सामने इस सम्मानित चैनल पे बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन का दोष क्या है। चलिए बताइए आप। देखिए सत्येंद्र जैन का जो दोष ना होता तो वो जेल में ही नहीं जाते। रफी जी, सत्येंद्र जैन साहब का अगर दोष ना होता तो वो जेल ही नहीं जाते। दोष पूछ रहा हूं, दोष बताइए। दोषी है, इधर उधर की बात एकदम नहीं। नहीं 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 इमरान भाई बिल्कुल इधर उधर की बात मत करिए। दोष क्या बताइए? डिबेट डिबेट तरीके से सीबीआई दोष बता पा रहा है ना भाजपा दोष बता पा रही है। आपने आपने इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कानून का गला घोट रहे, संविधान का गला घोट रहे, लोकतंत्र का गला आप घोट रहे, सारी संवैधानिक संस्थाओं को आपने मजाक बना के रखा है, आपकी सारी प्रक्रिया का मजाक बना के रखा है, आपने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। दोष आपको पता नहीं, आरोप आपको पता नहीं, आरोप कुछ नहीं, दोष कुछ नहीं, गुनाह कुछ नहीं, और आप फांसी पर चढ़ा देंगे और उनको इस्तीफा भी दिला देंगे। मैं पूछ रहा हूँ दोष बताइए, इसीलिए तो दोष बताइए पहले, दोष बताइए रफी भाई, दोष क्या आरोप है? क्या मनी कुछ नहीं पता आरोप है, नहीं है कुछ नहीं पता है। जब आरोप ही नहीं है तो आपको कहां से पता होगा? यही हम पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि सत्येंद्र जैन पर क्या आरोप है आप नहीं बता पाएंगे, मनीष सिसोदिया पे क्या आरोप नहीं बता पाएंगे, अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप नहीं बता पाएंगे, 40 से ज्यादा विधायकों पर क्या आरोप नहीं बता पाएंगे, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर क्या आरोप नहीं बता पाएंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्या आरोप नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे, ईडी का इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का इस्तेमाल करेंगे, और क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी को परेशान करने का काम करेंगे। पहली बार देश की राजनीति में आपको कोई मिला है जो आपके सीने पे चढ़ के दाल मूंगने का काम कर रहा है, आपको आपकी औकात बताने का काम कर रहा है, आपकी हैसियत बताने का काम कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ बताइए, अरे सत्येंद्र जैन पर आरोप क्या बताओ भाई? ईडी अपना काम ना करे, इधर उधर की बात सत्येंद्र जैन पर क्या इल्जाम बताओ? सत्येंद्र जैन वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे क्या? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, प्रोटोकॉल तो जेल में भी दिया जाए। अरे भाई मसाज बताइए, लड़के उनको जेल में भी बताइए। अरे मेरे भाई मनी लॉन्ड्रिंग का केस दोष तो बताइए भैया, जो ब्लैक मनी उन्होंने सप्लाई की है, कल कोर्ट में कह देंगे कोई गलती नहीं थी भाई, बड़ी कर दिया मामला खत्म। मैं पूछ रहा हूँ दोष बताइए, जेल में है ईमानदार आदमी? जेल में नहीं है ईमानदार आदमी, जेल में नहीं जाता, भ्रष्टाचार अच्छा? ही जेल में जाते हैं। महात्मा गांधी जेल के अंदर नहीं गए, सरदार भगत सिंह जेल के अंदर नहीं गए, जवाहरलाल नेहरू जेल के अंदर नहीं गए, कौन जेल के अंदर नहीं गया? अरे क्रांतिकारी जेल के अंदर जाता है। अरे देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे, होते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए महात्मा गांधी जी, जेल में देश को आजाद कराने के लिए गए थे। पार्टी जैसी देश को आजाद कराना था, सत्ता में होती है तो आजाद कराना था, पार्टी के नेता जेल में जाते हैं, इसलिए जेल गए थे। सरदार भगत सिंह मुझे सब पता है, कौन आरोप लगाए थे? क्या बात कर रहे हैं इमरान भाई? देश को आजाद कराने के लिए गए थे, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। अरे तो काले अंग्रेजों से आजाद कराने पार्टी, नफरत करने वालों से आजाद करा रही आम आदमी पार्टी, सांप्रदायिकता फैलाने वालों से आजाद करा रही आम आदमी पार्टी, बेईमानों से आजाद करा रही आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार मुझे लगता है गौरव भाई जो आज मुद्दे पे जिस मुद्दे पे डिबेट थी वो तो हम डिरेल हो रहे हैं, और जहाँ तक बात अगर दो मिनट के लिए मान लेते हैं कि बात अगर दिल्ली की हो भी रही थी तो भाई ये बात तो परिपक्वता के साथ समझनी होगी ना। जिस तरह मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताऊं, जिस तरीके से केवल दाम के आगे लगा लेने से परास्नातक की डिग्री से मानसिक परिपक्वता नहीं आती है, उसी तरह बिना तथ्यों को जाने बहस करने से परिपक्व डिबेट भी नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल भाई, इतनी देर से तिहाड़ तिहाड़ चल रहा है, तिहाड़ किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। अच्छा। और तिहाड़ में अगर कोई कमी पाई जाती है तो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं गलती है उसमें। इसमें इतनी बहस करके भाजपा प्रवक्ता इतनी देर से अपनी कमियों को उजागर कमियों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। भाई अगर जेल में उसके हाथ पर दबाए जा रहे हैं तो ये तो केंद्र सरकार को तय कर रहा है कि सुविधाएं कहां से मिल रही है और कैसे मिल रही है। इसमें आलोचना हर बात में आलोचना से अच्छा है कुछ तर्कपूर्ण बात भी होनी चाहिए डिबेट के अंदर जी। और सबसे बड़ी बात है आज जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर के, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज गए तो उसका सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि जो बच्चा हमारे राजनीतिक सब परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का परिवार है, अगर राजनीतिक परिवेश में कोई राजनीति का सक्रिय सदस्य सक्रिय हिस्सा नहीं है तो उसके उसके नाम पे गिरी हुई निकृष्ट राजनीति करते हुए आप केवल और केवल देशभूर पाव से विपक्ष के लोगों को टारगेट करेंगे, ये कहां तक न्याय उचित है? दूसरी बात, क्या आपने अभी तक कोई कार्रवाई की
क्या आपने अपने पदाधिकारी पे अभी तक कोई कार्रवाई की? समाजवादी पार्टी की आलोचना करने में दिन भर व्यस्त, कॉन्क्लेव के लिए आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोगों को इन्वाइट किया है, आपको कॉन्क्लेव की चिंता नहीं है, आपको चिंता है समाजवादी पार्टी की नीतियों की, समाजवादी पार्टी के आंदोलन की, समाजवादी पार्टी की आवाज को कैसे दबाया जाए, विपक्ष का कोई आ जाए। अच्छा। लेकिन इनके मुंह से आप आलोचना सुनेंगे, इनके अक्सर प्रवक्ता बैठ के बोलते हैं इनको तो बुराई दिखाई देती है। अरे आपको क्या दिखाई देती है भाई? आपके एक किसी नेता के पूर्ववर्ती में जब इस तरह बिटिया के ऊपर सवाल उठा था, आप लोगों ने भी वही किया जो आज हम कर रहे हैं जी। तो इसमें इतना विवाद बढ़ाने वाला कौन सा विषय? और रही बात आपके ट्विटर हैंडल से, अगर अनर्गल पोस्ट से आ रही थी तो आप क्या उसको बैठ करके प्रसारित करने का इंतजार कर रहे थे? आपने अपने मीडिया सेल को रोका? आपने 2012 में पूछा, आपने अपने मीडिया सेल को रोका? क्या भाजपा ने अपने मीडिया सेल को नियंत्रित करने का प्रयास किया? जबकि कुछ दिन पूर्व इनके आईटी सेल ने 37 मंत्रियों की लिस्ट तैयार की थी जो जातिगत बयानों को, भाषणों को देख करके उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे थे, और उनको निर्देशित किया गया था इनकी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से कि बिना पार्टी के परमिशन के धार्मिक बयान ना दे। लेकिन आए दिन कभी चाकू में छुरी में धार लगाएंगे, कभी पुलिस को कायर कह देंगे। आज जो ये लोग कह रहे थे, पुलिस की बातें कर रहे थे भाई, पुलिस को कायर कह देंगे, तब तो नहीं आ रहा था कि साक्षी महाराज के ऊपर भी कार्रवाई करें। अच्छा, भाई 100 से अधिक अफसर शाहों ने, पूर्व अफसर शाहों ने पत्र लिख दिया साध्वी के खिलाफ, लेकिन चाकू में धार तेज करवा भाई। पहले आप अपनी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करिए, पहले आप विपक्ष और कार्य करने का तरीका सीखिए। राजनीति केवल अशोभनीय टिप्पणियों से नहीं चलती। आपका कोई एक ऐसा जिम्मेदार नेता जो शायद ही बचाओ किसी अनर्गल टिप्पणी से, वैसा ही कानून का आप पालन कराना चाहते हैं। देखिए नहीं 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 नहीं, पालन कानून का करते हैं तो विधायक चुनाव में 2017 का आप डेटा लिया गए, सुप्रीम कोर्ट के 2021 के जजमेंट को दरकिनार कर दिया भाई। पीएमओ को आपने, पीएमओ को हाथरस कांड में आपने लिखा कि रेप नहीं हुआ, सीबीआई नहीं होती तो आप उसको दबा देते। कानून की बात करेंगे, ये कानून की बात करेंगे, चलनी आ रही है। अधिकारी संडे को छुट्टी पे होते हैं और निचले स्तर के कर्मचारियों को छुट्टी भी मिलती है, साप्ताहिक ये कानून की बात करेंगे। भाई जो भी गौरव जी जो बहस हो रही थी, बाकी ये मुद्दे से भटक गए, लेकिन हम उसी मुद्दे पे आना चाहते हैं। जिस तरीके से मर्यादित भाषा या संस्कृत भाषा का प्रयोग हमारे राजनीतिक दल करते हैं महिलाओं पर, विशेष तौर पर महिलाओं पर, इसको तो अविलंब बंद होना चाहिए। ये राजनीतिक का बहुत स्तर गिरता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं गौरव जी। और जिस तरीके की बातें हो रही है, तमाम एक दूसरे पर लांछन लगाना, आरोप लगाना, ये तो बिल्कुल राजनीति में तो बहुत कॉमन सी बात है। समाजवादी पार्टी में की सरकार रही हो, हमने देखा इसी विधानसभा के सामने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा, पुलिस वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है। सपा सरकार में तो उनके भी निरंतर में पुलिस नहीं थी, पुलिस इनके भी निरंतर में नहीं है। तमाम अपराधी और मुखबिर थाने चला रहे हैं गौरव जी, ये इसमें कोई दोराई नहीं है और ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन सरकार की छूट ज्यादा दे देना पुलिस को, पुलिस एकदम बेलगाम हो चुकी है। जब से ये कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है गौरव जी, तब से पुलिस और बेलगाम हो गई है। चाहे वो पूर्व सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, सरकार सरकार एक जैसी कोई मामला नहीं गौरव जी। पिस्ता इसमें आम जनता है, आम आवाम है, और परेशानी आवाम होती, नेताओं को कहीं कोई। अब कल अखिलेश जी का जैसे बयान, आप लोग जिस पर बहस इतनी देर से चल रही है, ये इसमें कोई दोराई नहीं। अखिलेश जी का बयान बहुत लड़कपन वाला बयान है कि हम यहाँ नहीं पिएंगे और इसमें जहर मिला सकते हो। ये एक इतने बड़े नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस स्तर का बयान नहीं देना चाहिए था। इसके लिए मैं बहुत क्षमा के साथ विवेक जी आपसे कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री रह चुका उत्तर प्रदेश का, इतने बड़े सूबे का, देश के अंदर सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे का मुख्यमंत्री इतने इस स्तर की बात करेगा तो अच्छी नहीं लगती उसके मुँह से। बाकी गौरव जी जैसा चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई कमी आएगी, डिबेटें तमाम होती रहेंगी। जी बिल्कुल, बदलाव होना चाहिए। ठीक है, आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी ट्विटर वार की, यह चर्चा थी सड़क पर लड़ाई की, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर गलती है तो गलती पर यहाँ पर सहयोग नहीं होना चाहिए। कसूरवार कसूरवार है, चाहे मनीष जगन अग्रवाल हो और चाहे डॉक्टर रिजा राजपूत हो, कसूरवार का केवल कसूर देखा जाना चाहिए। और कसूरवार है तो उसको किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई गलत किया है, किसी ने गैर मर्यादित टिप्पणी की है, तो उसका केवल एक ही खामियाजा होना चाहिए, वो होता है सजा। और सजा चाहे जगन अग्रवाल के लिए हो या ऋचा राजपूत के लिए, सजा बराबर होनी चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर मनीष जगन अग्रवाल ने गलती की थी तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी वहाँ पर दरेदरी दिखाने जाना चाहिए था। और वहाँ पर पुलिस मुख्यालय को घेरना और गोसाईगंज जेल को घेरना, कहीं ना कहीं ये बात एक अनुसरण योग्य नहीं है। कसूरवार कसूरवार होता है, अगर गलती की है तो यहाँ पर वो व्यवस्था को अलग करना चाहिए, उन बुनियादी व्यवस्थाओं को एक नई शुरुआत करनी चाहिए कि अगर हम करेंगे तो सामने वाला भी करेगा, अगर दूसरा कर रहा है तो कम से कम एक मैसेज, एक संदेश देना चाहिए कि आप करते रहिए, हम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर पाप को देखकर आप भी पाप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पापी आप भी हैं।
कसूरवार को देखकर अगर कसूर आप भी कर रहे हैं तो कसूरवार आप भी है, और कसूरवार के लिए हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्थाओं में और हमारे देश की जगह में और हमारे देश की संस्कृति में कोई जगह नहीं होती है। इसलिए ट्विटर संचार माध्यम अच्छी बातों का, अच्छी व्यवस्थाओं का और अच्छी जानकारी का, इस माध्यम को खराब मत करिए, इस माध्यम को केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए मत जोड़िए, क्योंकि अगर राजनीति करेंगे हर माध्यम पर तो माध्यम खराब ही होगा, क्योंकि फिलहाल देश में जो राजनीति है वो केवल ट्वीट पर हो रही है। ट्वीट की राजनीति अलग हटिए और काम करिए, संघर्ष करिए सड़क पर, तभी बदलाव होगा, अन्यथा जो व्यवस्था चलती आ रही है वो चलती रहेंगी। क्योंकि अगर वास्तव में चाहते हैं कि सरकार कुछ सुने और जनता के मुद्दों पर काम करे तो उसके लिए विपक्ष को ट्वीट की राजनीति छोड़ सड़क पर उतरना होगा, कसूरवार के लिए नहीं। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।